हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपको बताऊंगा महिंद्रा की बुलेरो है। फ्रेंड, इसका क्लच हार्ड हो गया और इसका गियर जो है शिफ्ट नहीं हो पा रहा है अच्छे से, तो मैं इसका क्लच सिलेंडर को चेंज करूंगा, तो उसके बारे में बताऊंगा। और फ्रेंड, जितने मेरे चैनल पे नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो ताकि मेरा नोटिफिकेशन आप लोग तक पहुँचते रहे। ये फ्रेंड, सबसे पहले मैं इसके नोज़ल को लूज़ करूँगा ताकि आसानी से निकल सके बाद में। और फ्रेंड, इसमें 7 नंबर का लैंकी लगा हुआ है, 2 ठो बोल्ट है, इसके बोल्ट में थोड़ा मट्टी जम गया, इसको साफ करूंगा मैं। ये फ्रेंड क्लच स्लॉ सिलेंडर है, ये हाइड्रोलिक क्लच सिलेंडर है, तो मैं इसको बाहर निकालूंगा। ये गियर लगाने में प्रॉब्लम हो रहा है, इसमें ये दब नहीं रहा अच्छे से, शिफ्ट नहीं कर रहा गियर, तो मैं इसका 7 नंबर का लैंकी लगाऊंगा और इसका सिलेंडर को बाहर करूंगा। ये फ्रेंड एलेंकी वाला बोल्ट है, एक और बोल्ट है उसको भी निकालूंगा। बन रहा है भैया? ये फ्रेंड हाइड्रोलिक सिलेंडर है, मैं इसके पाइप को बाहर निकालूंगा और इसके सिलेंडर को भी बाहर निकालूंगा मैं। इसमें नया सिलेंडर लगाऊंगा फ्रेंड। ये हाइड्रोलिक क्लच है इसका, तो ये क्लच अच्छे से प्रेस नहीं हो रहा था, इसलिए इसका गियर शिफ्ट नहीं हो पा रहा था, हार्ड हो जा रहा था गियर। ये गाड़ी जब हीट होता था तो इसका क्लच सिलेंडर अच्छे से काम नहीं करता था फ्रेंड, क्योंकि जब गाड़ी हीट होगा तो इसका क्लच सिलेंडर भी हीट होता है और इसमें अंदर में एक रबर लगा होता है, इसके सिलेंडर में ओरिंग लगे रहते हैं, वो फ्रेंड अच्छे से वर्क नहीं कर पाता है, इसलिए इसका गियर जो है वो हार्ड लगने लगता है और क्लच पैडल भी हार्ड हो जाता है। ये फ्रेंड इसका सिलेंडर है, तो मैं इसमें नया सिलेंडर लगाऊंगा। ये पुराना सिलेंडर है, ये नया सिलेंडर है, तो मैं इसमें नया सिलेंडर लगाऊंगा। इसके पुराने सिलेंडर में प्रॉब्लम है फ्रेंड, इसका किट चेंज होता है बट इसमें मैं किट चेंज नहीं करूँगा, इसको डायरेक्ट नया लगाऊंगा मैं। ये फ्रेंड इसके नोज़ल को, पाइप को थोड़ा मैं साफ़ करूँगा और सबसे पहले इसके पाइप को लगाऊँगा मैं सिलेंडर में, क्योंकि बाद में प्रॉब्लम होगा लगाने में, तो मैं सबसे पहले इसके पाइप को थोड़ा सा लगाऊँगा, टाइट करूँगा, उसके बाद सिलेंडर को टाइट करूँगा। मोगली अभी यूट्यूब का वीडियो शूट कर रहा है फ्रेंड। मैं 7 नंबर का एलेंकी यूज करूंगा और HED यूज करूंगा स्पेशल टूल्स का। देखने बोले मच्छर पहले खा लिया।
मैं फ्रेंड इसके पाइप को भी अच्छे से टाइट करूँगा, नहीं तो यहाँ से ऑयल लीकेज होता है, फिर इसका क्लच अच्छे से काम नहीं करता है, पैडल अंदर धंसने लगता है। इसको मैं अच्छे से टाइट करूँगा ताकि यहाँ से ऑयल लीकेज ना हो। ये फ्रेंड इसका निप्पल है, तो मैं इसको निप्पल को ढीला करूँगा और यहाँ से एयर निकालूंगा मैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ से एक क्लच का ऑयल डालूंगा। ये फ्रेंड गाड़ी को स्टार्ट करके मैं एयर निकालूंगा यहाँ से ऑयल डालने के बाद। ये फ्रेंड निप्पल को मैं ढीला करूंगा और पैडल को प्रेस करूंगा। प्रेस करो। जो ऑयल चेक कर। आया क्या? इसको प्रेस करने से इसका जितना भी एयर है ब्लीड हो जाएगा। ये फ्रेंड अच्छे से मैं एयर निकालूंगा ताकि गियर लगाने में और क्लच प्रेस करने में कोई दिक्कत ना हो, कोई प्रॉब्लम ना आए। और एक बार और एयर निकालूंगा फ्रेंड अच्छे से इसका इसका पैडल अभी थोड़ा हार्ड नहीं हुआ है। ये फ्रेंड इसका क्लच काम कर रहा है अच्छे से, ये प्रेस हो रहा है, ये प्रेस हो रहा है फ्रेंड, अच्छे से वर्क कर रहा है अभी क्लच। मैं इसके गियर लगा के चेक करूँगा। ये फ्रेंड का क्लच बिल्कुल फ्री है, पहले हार्ड हो रहा था इसका क्लच, तो अभी ये ठीक है। इसका पैडल क्लच पैडल, इसको गियर लगाऊंगा और चेक करूंगा गियर लगा के। गियर भी नहीं लग रहा था, गियर जाम हो रहा था, फंस रहा था गियर लगाने में। ये फ्रेंड इसका गियर भी अच्छे से शिफ्ट हो रहा है, अभी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये महिंद्रा का बुलेरो है तो इसका क्लच सिलेंडर में प्रॉब्लम था, मैं उसको चेंज किया, बाकी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है।